सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और अब बात करेंगे आफत की बारिश की। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ से मैदान तक हो रही तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनकर अड़ी हुई है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले में हुआ। कई जगहों पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और शोंघी में शिमला चंडीगढ़ राजमार्ग समेत 743 सड़कों को जलभराव की वजह से यातायात के लिए बंद करना पड़ा। सिर्फ मंडी जिले में बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं राज्य में कई नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण पुल बह गए। पौड़ी जिले के लगभग 13 गांव में ज्यादा बारिश के कारण प्रशासन ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश में कई जिले में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। आज भी कई जिले में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। तो 6 तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर बाढ़, बारिश और बर्बादी का आलम दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 6 राज्यों की अलग अलग तस्वीरें जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और हर तरफ बर्बादी का आलम है। दो विधानसभा को जोड़ने वाला मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस बीच बारिश का